पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने 781 लाख रुपए लागत के 3 निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, 1 करोड़ रुपए लागत के मल्टीपर्पज हॉल का किया लोकार्पण। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। शिलान्यास की श्रृंखला में शुक्ल ने मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र एवं DMF फंड द्वारा स्वीकृत शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में 103 लाख रुपए की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षा तथा शासकीय सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 191 लाख रुपए की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षाओं एवं उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में 386 लाख रुपए से बनने वाले 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन सहित विद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टीवी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि समान के शासकीय हाई स्कूल में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो जाने पर छात्रों को व्यवस्थित रूप से बैठने की सुविधा प्राप्त होगी। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से पठन पाठन में आने वाली हर कठिनाई दूर होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भूतल पर एक मल्टीपर्पज हॉल एवं कॉरिडोर स्टेयर तथा प्रथम तल पर 7 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। उपरोक्त अतिरिक्त कक्षों को स्मार्ट क्लास की रूप की तरह विकसित किया जाएगा, इससे छात्र सुविधाजनक तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समान हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, आज भूमि पूजन हो जाने पर उनकी मांग पूरी हो गई। स्मार्ट क्लास के रूप में LCD स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो जाने पर छात्राओं को व्यवस्थित रूप से बैठकर अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी और छात्राएं अपनी प्रतिभा को तराश सकेंगी। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की मांग बहुत समय से की जा रही थी, ये मांग पूरी हो गई। उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण का भूमि पूजन कर कहा कि ग्रामीण परिवेश में अध्ययन करने आने वाले बेटियों को जिले में आवास की समस्या आती है, कभी कभी तो महंगे किराए के मकान में रहकर उन्हें पढ़ना पड़ता है। मार्तन स्कूल में कन्या छात्रावास न होने के कारण बेटियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसलिए उनके माता पिता भी बेटियों के लिए चिंतित रहते थे। 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण हो जाने पर सबसे बड़ा लाभ बेटियों को होगा। छात्रावास में रहकर जब वे बिना किसी चिंता के अपना अध्ययन करेंगी तो उनके पालक भी चिंता मुक्त होंगे। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक झलक। करीब 7 कमरे और 3 कमरों के बराबर का एक हॉल, 10 कमरे यहाँ पर बनेंगे। एक बार मैं स्कूल में आया था तो स्कूल की बहुत ही दयनीय हालत थी, स्कूल के उन्नयन की मांग हुई। सर मैंने इसको 8वीं से 10वीं करवाया, फिर 10वीं से 12वीं भी कराना चाहते लेकिन इसलिए नहीं हो पाया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। अब तो काम हो रहा है तो सिर्फ आपको क्लासरूम नहीं मिलेंगे बल्कि इसको हायर सेकेंडरी बनाने में मदद भी मिलेगी।